अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे तमाम प्यारे बहन भाई, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी खास दुआओं में हमें भी याद रखें। तो जी रमज़ान मुबारक की पहली सहरी आप सब देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक, और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक ये बाबरकत महीने के सदके हम सबकी तमाम दुआएं अपनी बारगाह में कबूल करे और इबादतों को भी कबूल करे। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखेगा, हम भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। तो जी सहरी का टाइम है और मैं इस वक्त जा रही हूँ किचन में सहरी बनाने के लिए, और बहुत ही खुशी हो रही है माशाल्लाह से। रमज़ान की रौनकें बरकतें तो की तो बात ही अलग है। दूसरा ये कि जी सहरी जो प्रोग्राम है वो हम लोगों ने सोचा कि उसमें मैं आप लोगों के साथ एक प्यारी सी नाच शेयर करूंगी। क्या बात है सर, क्या बात है। तो अभी मैंने नात जो आज की सहरी की शेयर कर दी आप लोगों के साथ, तो आप लोगों ने अगर वॉच नहीं की तो जल्दी से जाएं और इस नात की वीडियो का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और कमेंट्स करके बताइएगा नात कैसी लगी है। वैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो तारीफ की जाए उसकी तो मिसाल ही अलग होती है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। खैरियत से तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू, और रमज़ान आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज है हमारी पहली सहरी। अच्छा जी, बेगम गई है किचन में, देखते हैं वो क्या बना रही है सहरी में, चलते हैं फिर आपसे मिलते हैं किचन में। माशाल्लाह रमज़ान मुबारक आ गए हैं। तो जी पहली सहरी यहाँ पर मैंने ये छोले भी भिगो कर रख दिए। तो ज़्यादा नहीं भिगो दिए तुमने छोले, कम भगाओ ना उसको उतने ज्यादा, कोई नहीं बहुत ज्यादा। अच्छा भाई ये एक्स्ट्रा से भिगो दिए होंगे, खैर ये अपने लिए बना रही हैं। आपके लिए आप फ्राई मेरा तोड़ दिया ना मैंने। अच्छा जी चले जी, क्यों आप नहीं खाएंगी? मैं सिर्फ एक अच्छी सी चाय पीनी है, मुझे पराठा खाना है और आलू बनाए हैं, तो आलू की जो मजेदार सी गति है उसके साथ मैं खाऊंगी पराठा। अच्छा ठीक है, और आपको मैंने अंडा भी फ्राई कर दिया है, आप अंडे से खाना चाहें तो अंडे से खा लें, ब्रेड भी है, मजेदार सी चाय भी बना लूँ। सहरी का टाइम आपको पता है बस यूं जाता है मिनटों में, और बहुत खुशी हो रही है हमारा सबका, हमारा नहीं सबका पहला रोजा है, और अल्लाह पाक से दुआ अल्लाह पाक बच्चों से लेके बड़ों तक का रोजा बासानी और अच्छे से रुक रहे हैं। 2024 का पहली सहरी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और माहे रमजान की भी बहुत मुबारक। बस जल्दी से मैं आ गया, मुझे उठाया। पीछे मोटर चल रही है पानी की, इसलिए शोर की आवाज़ को इग्नोर करें, और यहाँ पर मैंने छोले भी उबलने रख दिए। सहरी में वैसे ये सहूलत है कि आप लोग अपने एक्स्ट्रा जो काम है जैसे छोले बॉईल करने ये सब आप करके रख दें। इमरान साहब ने तो मेरा दिमाग ख़राब कर दिया आज सहरी में, इनकी सुबह सुबह कॉल आ चुकी है इंडिया से, और बस इतनी ज़ोर ज़ोर से बोले जा रहे हैं मैं आ रहा हूँ इंडिया, मैं आ रहा हूँ इंडिया। बस मैं क्या बताऊँ इनका। बहरहाल जी ये भी आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, मगर चलें आप लोगों को बता ही देती हूँ कि हमारा जो है बहुत जल्द इंडिया का टूर होगा इंशाल्लाह स्टार्ट, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आ चुके हैं और बस एक पेपर रह गया है, वो भी आ जाए, दुआ करें, फिर हम लोग इंशाल्लाह ताला इंडिया भी आएंगे और अपने इंडिया के प्यारे प्यारे से बहन भाइयों से भी मिलेंगे और उनके साथ भी वीडियो शीडियो बनाएंगे। अच्छा जी, तो छोले बॉयल करने मैंने रख दिए क्योंकि दोपहर में ना गैस बिल्कुल भी नहीं होगी, और अब गैस आएगी अफ्तारी से कुछ घंटे पहले, तो अच्छा है मेरा आधे से ज्यादा काम हो जाएगा। जी यहाँ पर मैंने दही बुनिया भिगो कर रख दी हैं, यहाँ पर ये बेसन और ये आलू के पकोड़े और कुछ प्याज वाले पकोड़ों की बनाने की तैयारी हो रही है। छोले मैंने सहरी में ही बॉईल करके रख दिए थे, तो छोले भी बस अब रेडी करने हैं। A few moments later. फ्लेम अपना तेज कर लेंगे और इसे जल्दी जल्दी से मिक्स करेंगे, और क्या खुशबुएं आ रही हैं माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त। तो जी चलें मैं इसे मिक्स करती हूँ अच्छी तरीके से, पकाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं और इंतहाई क्रिस्पी हैं, ये देखें कितने क्रिस्पी हैं माशाल्लाह से। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र एहसान है कि अल्लाह पाक ने ये जो देखना हम सबको नसीब किए, और माशाल्लाह से जी ये देखें दस्तरखान लग चुका है, यहाँ पे बने हैं ये टमाटर के पकौड़े, फुलकी है और ये है आलू के, साथ में अमरूद है, ये इमरान के लिए स्पेशल छोले बनाए मैंने और ये मसाले वाले, साथ में दही बड़े और माशाल्लाह से जी अजवा खजूर। तो माशाल्लाह आज है हमारी पहली अफ्तारी, तो बस इंतज़ार है सिर्फ अजान में, अजान हो तो फिर रोज़े इफ्तार करते हैं। और तो जी आप सबको पहला रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, तो आप बिस्मिल्लाह करके खजूर बस से रोज़ा खोलें, अजान हो गई है। बिस्मिल्लाह
माशाल्लाह वाजवा सुभान अल्लाह। इसी अफ्तारी में भी अल्लाह ने इतनी बरकत दी, फिर भी देखें हमने अफ्तारी कर भी लिए और बच भी गई है, और बेगम साहिबा तो कर रही हैं अफ्तारी, और बस अफ्तारी कर ली है, अब जाके नमाज़ पढ़ने जाएंगे, मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँगा, इरम घर पे पढ़ेगी। तो जय इरम जी। बिल्कुल, फिर बर्तन वगैरह धोना वही खवातीन के जो रोज़मर्रा के काम है, और भी हमारे जो देखने वाले हैं जो कि बाहर मुल्कों में, अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक आप सबके भी रोज़े बहुत अच्छे से गुजरे, और बहुत बहुत मुबारक आप सबको भी रमज़ान, खास करके जो सऊदीया में मेरी सिस्टर हैं उन तमाम सिस्टर्स को भी रमज़ान मुबारक बहुत ज़्यादा, और वहाँ की तो रौनक और बरकतों की क्या ही बात है। इंशाअल्लाह ताला कोशिश है कि अगले साल जो रमजान है वो हम भी मक्के मदीने में ही गुजारें इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये जो आपने अफ्तारी देखी है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और आप लोगों के घर में क्या क्या अफ्तार में था वो भी मुझे कमेंट्स में बताइए। हाँ, कमेंट्स लाजमी करिएगा, आप लोग कमेंट्स के जरिए बताइएगा हमें। तो हमने जो अफ्तारी किया, मतलब आपको दिखाया है अफ्तारी में कैसे लगी, और पाकिस्तान को तो जितने बाहर के मालिक होते हैं वो लोग बड़े मिस करते होंगे यहाँ के। अच्छा जी, मैंने कम सामान लाइट ही रखा था क्योंकि आज पहला दिन था, इंशाल्लाह आपके साथ जो है नई नई डिशें जो है ना से अफ्तारी में भी जो है ना आपके साथ मतलब इरम जो है ना शेयर करती रहेंगी, जो जो चीज़ें आप कमेंट्स करके बताते रहना। अच्छा जी, इसमें यह है कि आपने अगर जिन्होंने जाके अभी इरम की वीडियो नहीं देखी है, इरम का पहली नात इरम ने पढ़ी है वो भी अपलोड हो चुकी है, उसको भी जाके लाजमी देखिएगा। और इशारा इस तरह हमारा सहरी अफ्तारी का प्रोग्राम और व्लॉग हमारा उस टाइम पर आता ही रहेगा जिस टाइम पर व्लॉग आते हैं, क्यों इरम जी इंशाल्लाह। तो बस देखें अब ये कर ली है बस इन्होंने भी अफ्तारी। अच्छा, ये अभी रह गए, ये मैं आगे नमाज, हाँ मैं भी नमाज पढ़ लूँ, आप भी पढ़ें। हाँ, नमाज के बाद जाके जो है ना इंशाल्लाह हम फिर जो है ना ये अफ्तारी मतलब कंटिन्यू करेंगे। इसी अफ्तारी में भी अल्लाह ने इतनी बरकत दी, फिर भी देखें हमने अफ्तारी कर भी लिए और बच भी गई है, और बेगम साहिबा तो कर रही हैं अफ्तारी, और बस अफ्तारी कर ली है, अब जाके नमाज पढ़ने जाएंगे, मैं नमाज पढ़ने जाऊँगा, इरम घर पर पढ़ेगी। तो जय इरम जी। बिल्कुल, फिर बर्तन वगैरह धोना वही खवातीन के जो रोज़मर्रा के काम है, और भी हमारे जो देखने वाले हैं जो कि बाहर मुल्कों में, अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक आप सबके भी रोज़े बहुत अच्छे से गुजरे, और बहुत बहुत मुबारक आप सबको भी रमज़ान, खास करके जो सऊदीया में मेरी सिस्टर हैं उन तमाम सिस्टर्स को भी रमज़ान मुबारक बहुत ज़्यादा, और वहाँ की तो रौनक और बरकतों की क्या ही बात है। इंशाअल्लाह ताला कोशिश है कि अगले साल जो रमज़ान है वो हम भी मक्के मदीने में ही गुजारें इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये जो आपने अफ्तारी देखी है तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और आप लोगों के घर में क्या क्या अफ्तार में था वो भी मुझे कमेंट्स में बताइए। हाँ, कमेंट्स लाजमी करिएगा, आप लोग कमेंट्स के जरिए बताइएगा हमें। तो हमने जो अफ्तारी किया, मतलब आपको दिखाया है अफ्तारी में कैसे लगी, और पाकिस्तान को तो जितने बाहर के मालिक होते हैं वो लोग बड़े मिस करते होंगे यहाँ के। अफ्तारी के बाद वही सब कुछ, अब धोने हैं ये बर्तन वगैरह, किचन वगैरह सब समेटना है, साफ़ करना है, और फिर आप लोगों से मिलते हैं। जी बेगम साहिबा, आपने अफ्तारी तो कर ली, कुछ बनाया खाना वाना? कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, सारे बर्तन वगैरह भी मैंने। वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम करा है। हाँ, मुझे पता था ना कि मुझे ही करना है काम, और रात के लिए एक मिनट लो गर्म बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, मज़ेदार सा मैंने स्टू बनाया है, स्टू। वाह भाई वाह। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ रोटी लेने के लिए, ठीक है, लाता हूँ तो कुछ खाते हैं, यार भूख लग रही है फिर से। वाह भैया। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा रोज़ा बहुत ही अच्छा गुजरा अल्लाह पाक के फजल करम से, और इंशाल्लाह ताला अब सहरी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि आपको पता है सेकंड सहरी की, और आज जो है बहुत ही प्यारी नात आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी इंशाल्लाह ताला। हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर ने कैनेडा से, उन्होंने कहा फरमाइश की, उनकी फरमाइश पर पढ़ी जाएगी, और आप लोग भी मुझसे फरमाइश कर सकते हैं अगर आप लोग भी शौकीन हैं नात के सुनने के, नात सुनने। अच्छा जी, नात का जो इनकी प्रोग्राम है ना वो सहरी में वीडियो अपलोड हुआ करेगी, तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, और सहरी प्रोग्राम जरूर देखें इरम का डेली। तो इसी के साथ हमें इजाजत मिलेंगे कल के अच्छे से ब्लॉग में, रखेगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखेगा याद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह निगेवान।